जम्मू कश्मीर में अवलांच के बाद सेना के 5 जवान लापता, हिमस्खलन से गुरेज और कुपवाड़ा में सेना की 2 पोस्ट को भी नुकसान। लापता सैनिकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, सोमवार से हो रही बर्फबारी की वजह से गुरेज में 5 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हुई। दक्षिण कश्मीर के नादीपोरा में बीजेपी कार्यकर्ता को धमकाने वाला वीडियो वायरल, कुछ दिन पहले आई थी खबर। बीजेपी कार्यकर्ता मकबूल भट्ट आतंकियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जम्मू के कठुआ में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ 5 गिरफ्तार। पीएम मोदी आज फिक्की की 90वीं एजीएम को संबोधित करेंगे, जीएसटी लागू होने के बाद उद्योग जगत के साथ पहला संवाद। गुजरात में दूसरे और आखिरी चरण की कल वोटिंग, 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान। सेंट्रल गुजरात की 40 और नॉर्थ गुजरात की 53 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 851 उम्मीदवार मैदान में। पीएम मोदी कल अहमदाबाद में मतदान करेंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद हर चुनाव में वो यहीं वोट डालने आते हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने गुजरात से अपील की, ट्वीट कर कहा, गुजरात की जनता मेरे अपमान का बदला ले। पीएम मोदी ने कहा, विरोधियों ने उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया, बीजेपी की जीत उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। कांग्रेस नेताओं के काम नहीं आई राहुल गांधी की नसीहत, अल्पेश ठाकुर ने पीएम मोदी पर निजी हमला किया। अल्पेश ठाकुर ने कहा, मशरूम खाने से लाल हुए पीएम मोदी के गाल, ताइवान से हर दिन 4 लाख की मशरूम आती है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का अल्पेश पर पलटवार, कहा चुनाव में गुजरात की जनता जवाब देगी। वडोदरा में हार्दिक पटेल की सभा में हंगामा, हार्दिक का विरोध कर रहे एक युवक को स्टेज से नीचे फेंका, समर्थकों ने पिटाई भी की। उत्तर प्रदेश के गवर्नर और सीएम योगी के ने लॉन्च किया कुंभ 2019 का लोगो, 12 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद। केंद्र सरकार नेताओं के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई के लिए 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को तैयार, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई। संसद पर हमले की 16वीं बरसी आज, पार्लियामेंट हाउस में दी जाएगी शहीदों को श्रद्धांजलि। झारखंड में आदिवासियों के किस कंपटीशन पर विवाद, बीजेपी ने जेएमएम के दोनों विधायकों पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने कहा, ईसाई कल्चर की तरफ मोड़ने की साजिश, 3 कपल्स को इनाम भी दिए गए। कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर फैसला आज, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई की विशेष कोर्ट सुनाएगी फैसला। चंपारण में शुरू हुई सीएम नीतीश कुमार की विकास समीक्षा यात्रा, 122 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। शरद यादव ने संसद सदस्यता रद्द करने के फैसले को दी चुनौती, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गुहार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, सरकार को घेरते हुए तैयारी में जुटा विपक्ष। 25 से 29 जनवरी तक जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, 35 देशों के 350 से ज्यादा साहित्यकार और कला प्रेमी शामिल होंगे। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की इस बार की थीम है, एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हुए साथ साथ चलना। बुरहानपुर जिला अस्पताल में नसबंदी कराने पहुंची महिलाओं के साथ बदसलूकी, महिलाओं के माथे पर बिंदी हटाकर स्टिकर लगाए गए। कोडागांव में नक्सलियों की करतूत, सड़क निर्माण पर लगे वाहनों को आग के हवाले किया। सड़क हादसे में घायल का इलाज का खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार, कैबिनेट ने एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम को अप्रूव किया। कोई बाहरी शख्स भी दिल्ली में घायल होगा तो उसका खर्च भी सरकार उठाएगी, आग और एसिड अटैक पीड़ितों का भी मुफ्त में इलाज। दिल्ली के वजीरपुर में 2 साल के मासूम की पानी की बाल्टी में डूबने से मौत, घर वालों ने पोस्टमार्टम करवाने से मना किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, 1984 सिख दंगे मामले में आरोपी है सज्जन कुमार। नवी मुंबई के लोकल ट्रेन से लड़की को धक्का देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। मुंबई में लावारिस वाहनों को बीएमसी जब्त करेगी, 1 महीने में जुर्माना देकर नहीं छुड़ाया तो नीलाम होंगे। एनसीपी नेता शरद पवार की किसानों को कर्ज और बिजली बिल नहीं भरने की सलाह, कहा पहले कर्ज माफी का अपना वादा पूरा करे सरकार। तेलंगाना में टीआरएस की महिला विधायक के पति की दबंगई, टोल प्लाजा पर कर्मचारी से मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। मेरठ में मॉडल टाउन में शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी पार्षदों का हंगामा, बीएसपी के बैनर लगे होने से नाराज। मुरादाबाद नगर निगम में शपथ ग्रहण में हिंदू, उर्दू और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, पार्षदों को शपथ दिलाई गई।
आगरा में अन्ना हजारे ने की जनसभा, जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या के समाधान के लिए जनता को संबोधित किया। यूपी के बहराइच में पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर रोजगार सेवकों का प्रदर्शन, 20 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध शराब की 1100 पेटियां जब्त की गई, शराब की कीमत 33 लाख रुपए। यूपी के चित्रकूट में पति पत्नी की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पंजाब के लुधियाना में हेरोइन तस्करी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, 125 ग्राम हेरोइन और 80,000 रुपए जब्त। बिहार के सीवान में 9वीं में पढ़ने वाले छात्र की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, 12 लाख रुपए बरामद। कोटा में लूट का विरोध करने पर व्यापारी पर चाकू से हमला, 3 बदमाश सीसीटीवी में दिखाई दिए। एमपी के उज्जैन में घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूटपाट, ज्वेलरी और नकदी लेकर बदमाश। पटना के रामकृष्ण नगर में मंदिर में चोरी, मंदिर की दान पेटी चुरा कर ले गए। यूपी के बागपत में तालाब में युवक का शव मिला, पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के एटा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों को गोली मारी, दोनों की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। बिहार के समस्तीपुर में संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला, घर में अकेली थी महिला। झांसी में एक स्लॉटर हाउस के सिक्योरिटी गार्ड ने एक कर्मचारी को गोली मारी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा में चोरों ने अदालत परिसर में लगे एलईडी चुराए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लगाए गए थे एलईडी। राजस्थान के कोटा में डीजल चुराने वाले ड्राइवर को मालिक ने गंजा किया, वीडियो भी वायरल किया। एमपी के मुरैना में सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री का खुलासा, आसपास के जिलों में होती थी सप्लाई। चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी कार्ड लॉन्च, सरकारी दफ्तर और चुनिंदा दुकानों पर डिजिटल पेमेंट हो सकेगा। चंडीगढ़ में गलत पार्किंग को लेकर नगर निगम ने 3500 रुपए का चालान काटा, विरोध कर रहे लोगों ने सड़क जाम की। राजस्थान के बूंदी में 2 कारों की टक्कर में एक महिला की मौत, कई घायल, परिवार शादी समारोह से लौट रहा था। राजस्थान के अलवर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, तीनों मेला देकर लौट रहे थे, गुस्साए लोगों ने कई घंटों हाईवे जाम रखा। अलवर में एक रिजॉर्ट में सगाई के दौरान ज्वेलरी से भरा बैग चोरी, सीसीटीवी में चोरी की वारदात। झारखंड के कोडरमा में 2 ट्रकों की टक्कर, दोनों के ड्राइवर घायल, हेल्पर को भी चोट आई। एमपी के देवास में पुलिस ने 61 जुआरियों को पकड़ा, 21,900 रुपए और 35 मोबाइल फोन बरामद। जयपुर के बद्रीनाथपुर में करंट की चपेट में बिजली विभाग का कर्मचारी, लाइन ठीक करने के वक्त हुआ हादसा, रास्ते में दम तोड़ा। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, महिला सब इंस्पेक्टर को 70,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में 12वीं क्लास का छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी गांव का ही एक युवक, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के शामली में स्कूली छात्रा ने मंचले को सबक सिखाया, सरेआम पिटाई की। सहारनपुर की दिव्यांग बच्ची के मां बाप की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इलाज की गुहार, जंजीर से बांधने को मजबूर। यूपी के सीतापुर में आए टेंशन तार गिरने से चाचा और भतीजे की जलकर मौत, 2 और गंभीर रूप से घायल। यूपी के कानपुर में महिला वकील की कोर्ट में पिटाई, आरोपी वकील पिटाई के बाद से फरार। यूपी के हापुड़ में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग कर रही थी। विजयवाला प्रत्यर्पण मामले में विदेश मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 15 दिसंबर तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, आदेश के बावजूद प्रत्यर्पण में इतनी देरी क्यों, विदेश मंत्रालय को जारी हो सकता है नोटिस। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत, 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक के सिरसा में वीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, युवा कार्यकर्ता परेश मेस्ता की हत्या का विरोध। मुंबई एयरपोर्ट पर अब यात्रियों का तनाव कम करेंगे कुत्ते, ट्रेंड कुत्तों के साथ खेलने और सेल्फी लेने की सुविधा। महाराष्ट्र में अहमदनगर में बारातियों को पौधे का तोहफा, पर्यावरण की रक्षा के लिए लड़की के पिता की अनोखी पहल। हरियाणा के जींद में फूलों से सजी गाड़ी में शराब की तस्करी, पुलिस ने कार अपने कब्जे में ली। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी हुई, पूरा इलाका सफेद चादर से ढका, बारिश से ठंड बढ़ी। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया गया, सड़क सैकड़ों गाड़ियां फंसी, लोगों को रास्ता खोलने का इंतजार।
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 2 इंच तक बर्फबारी, बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका रामपुर समेत पूरा इलाका, ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड। उत्तरकाशी में बारिश के साथ बर्फबारी, तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ी। देहरादून में बारिश और बर्फबारी से ठंड और बढ़ी, 3000 मीटर ऊंचे इलाकों में हिमपात। मुंबई में 34 करोड़ के फ्लैट में रहेंगे अनुष्का और विराट, साल 2016 में विराट ने खरीदा था फ्लैट। क्रिकेट से संन्यास को लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाज एलिस्टर कुक का बयान, कहा अभी इस बारे में सोचा नहीं। पाकिस्तान की T20 लीग PSL में फिक्सिंग के दोषी पाए गए नासिर जमशेद पर 1 साल का बैन, PCB ने जांच के दौरान सहयोग नहीं करने पर कार्रवाई की। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कटास राज मंदिर में की दुर्दशा पर पंजाब सरकार की खिंचाई की, पूछा मंदिर से भगवान राम, शिव और हनुमान की मूर्तियां क्यों गायब। नेपाल में वामपंथी गठबंधन की इसी महीने बनेगी सरकार, 165 सीटों पर हुए चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें वामपंथी जीते हैं। सरबजीत सिंह हत्या मामले में पाकिस्तान कोर्ट ने जेल अधीक्षक का बयान दर्ज किया, मई 2013 में हुई थी हत्या। केन्या में वाहनों की आपस में टक्कर, पुलिस के मुताबिक 15 की मौत, दर्जनों घायल।